दुनिया के कई इलाकों में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। अलग अलग तरीके के बहुत से त्यौहार भी मनाए जाते हैं। दुनिया के अलग अलग रीति रिवाजों के अनुसार कई अजीबोगरीब त्यौहार भी मनाए जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे त्यौहार के बारे में बताऊंगा जो लाशों के साथ मनाया जाता है। जी हाँ, लाश। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, दरअसल इंडोनेशिया की एक खास जनजाति इस त्यौहार को मनाती है, जिसमें दफनाने के 3 साल बाद मृतक के शरीर को फिर से कब्र से बाहर निकाला जाता है। इंडोनेशिया के इस त्यौहार का नाम मानेने फेस्टिवल है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन होगा उसे भी दबा देना, ताकि इस चैनल से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। इस त्यौहार में लोग अपने पूर्वजों की लाशों को 3 साल बाद कब्र से बाहर निकाल कर सजाते हैं। मान्यता ऐसी है कि लाश की देखभाल करने से पूर्वज उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इस त्यौहार को मनाने की शुरुआत किसी के मरने के बाद से ही हो जाती है। परिजन की मौत होने पर उसे उसी समय नहीं दफनाया जाता, बल्कि मौत पर कई दिनों तक उत्सव मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि परिजनों को मौत का कोई अफसोस नहीं होता, ऐसा वो मृत व्यक्ति की खुशी के लिए करते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि मरने के बाद एक नई यात्रा शुरू होती है। मृत व्यक्ति को इसी यात्रा के लिए तैयार करने के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। इस यात्रा को पूया कहते हैं। इस त्यौहार के दौरान परिजन बैल और भैंस जैसे जानवरों को मारते हैं और उनके सींगों से मृतक का घर सजाते हैं। मान्यता है कि जिसके घर पर जितनी सींगें लगी होंगी, अगली यात्रा में उसे उतना ही सम्मान मिलेगा। मरने के बाद लोगों को दफनाने की जगह पर लकड़ी के ताबूत में बंद करके गुफाओं में रख देते हैं। अगर कोई 10 साल से कम उम्र का बच्चा मरता है तो उसे पेड़ की दरारों में दफना दिया जाता है। मृतक को कई दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग प्रकार के कपड़ों से उसे लपेटा जाता है। मृतक के शरीर को केवल कपड़े ही नहीं बल्कि फैशन की चीज़ें भी पहनाई जाती हैं। इसके बाद उसे लकड़ी के ताबूत में बंद करके पहाड़ी गुफाओं में रख देते हैं। साथ ही लकड़ी का एक पुतला उसकी रक्षा के लिए वहाँ होता है, जिसे ताऊ ताऊ कहते हैं। लोगों का मानना है कि ताबूत में रखा शरीर मरा नहीं है बल्कि बीमार है। जब तक वो ताबूत में सोया है तब तक उसकी रक्षा करनी होती है। हर 3 साल बाद लाशों को फिर जमीन से बाहर निकाला जाता है, उसे नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, लोग लाशों के साथ बैठकर खाना भी खाते हैं। लाशों के कपड़े तक लोग दोबारा पहन लेते हैं, तब फिर उसे दोबारा दफना दिया जाता है। मानेने फेस्टिवल की शुरुआत आज से लगभग 100 साल पहले हुई थी। गांव के बड़े बुजुर्ग लोग इस त्यौहार के पीछे एक बड़ी रोमांचक कहानी सुनाते हैं। दरअसल बरप्पू गांव में एक टोराजन जनजाति का शिकारी रहता था। वो शिकारी एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गया, तब उसे रास्ते में एक सड़ी गली लाश दिखी। शिकारी ने उसे कपड़े पहनाए और उसका अंतिम संस्कार किया। उस शिकारी का नाम पोंग रूमा सेक था। अंतिम संस्कार के बाद पोंग रूमा सेक की जिंदगी बदल गई। तभी से इस त्यौहार को टोराजन जनजाति के लोग मनाते हैं। इस घटना के बाद से ही टोराजन जनजाति के लोग इस त्यौहार को मनाना शुरू किए थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।